सुनील ग्रोवर को बालों पर सवाल पूछा तो सुनील हो गए गुस्सा। ये जो बाल है आपका, जो गोल्डन गोल्डन हल्का सा, ये मतलब फिल्म का किरदार है या आपके डॉक्टर? हमारा पर्सनल टशन है। आपको प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत ही अच्छा। नहीं, हाँ तो ये कहिए, अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा। बालों पर सवाल पूछने पर सुनील ग्रोवर को इतना गुस्सा आया कि वो रिपोर्टर का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने लगे। आप पे लड़कियां बहुत मरती होंगी, मैंने देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं, आप जिद्दी हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते होंगे। कॉमेडी विद कपिल से फेमस हुए सुनील ग्रोवर इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म कॉफी विद डी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में सुनील ग्रोवर एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सुनील नजर आए कलर्ड हेयर में, लेकिन जैसे ही उनसे किया गया उनके कलर्ड हेयर के बारे में सवाल तो सुनील रिपोर्टर की ही टांग खींचने लगे। हमारा पर्सनल टशन है। आपको प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत ही अच्छा। नहीं, हाँ तो ये कहिए, अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई खास वजह? खास वजह यही है कि जो मैं अंदर से रंगीन मिजाज आदमी हूँ, बाहर भी तो रंग दिखना चाहिए थोड़ा सा। कब तक फीके फीके घूमते रहोगे? आप भी कराओ चेंज, जाइए थोड़ा सा। आपके इंटरव्यू के बाद करा लेंगे आज। ठीक है। आप पे लड़कियां बहुत मरती होंगी, मैंने देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं, आप जिद्दी हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते होंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए फिल्म की हम बात करें, क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम। आप सिंगल हैं? जी, अभी तक तो फिलहाल सिंगल हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी जस्ट ट्रेलर में मैंने देखा 3.5 मिलियन लोगों ने ट्रेलर देखा है। जब इस तरह से लोगों का प्यार मिलता है, लड़कियों का प्यार मिलता है, तब क्या कुछ फील करते हैं सुनील? आप जेलस क्यों महसूस कर रहे हैं? सुनील, ये तो आपकी पहली ही फिल्म है, अभी से ऐसा एटीट्यूड? हो सकता है कि आप ये सब मजाक में बोल रहे हो, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन आपने दिया है वो काफी अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं फिल्म रिलीज होने से पहले ही आपको घमंड आ गया है?